हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थल सेना दिवस। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय थलसेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह दिन सैन्य परेडों, सैनिक प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में देश भर में व्याप्त दंगे फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी। फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि विभाजन के समय शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। वे भारतीय सेना के उन 2 अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का दायित्व दिया गया। सैम मानेकशॉ दूसरे ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था। KM करियप्पा का मिलिट्री करियर लगभग 3 दशक रहा, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा का संबंध राजपूत रेजिमेंट से था। वे 1953 में सेवानिवृत्त हो गए थे, फिर भी किसी न किसी रूप में वे भारतीय सेना को सहयोग देते रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।